फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। आज हम लोग जो आपके लिए वीडियो कर रहे हैं, इट्स रिक्वेस्ट वीडियो। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि श्रेया, बच्चे को फीड करने के क्या क्या तरीके होते हैं, उसके बारे में आप बात कर सकते हो क्या, और थोड़ा सा डिटेल में बता सकते हो क्या। तो यस, अगर आपके घर में बच्चा है जिसको आपको फीड कराना है, बाय द वे मैं सॉलिड फूड इंट्रोडक्शन की यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ कि अगर आपका बच्चा न्यूबॉर्न बच्चा है, 6 महीने के अंदर है, तो उसको फीड कराने के कौन से तरीके होते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए एब्सोल्युटली सेफ हो सकता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहला और बेसिक तरीका जो कई सालों से कल्चरली चले आ रहा है, इट्स ब्रेस्ट फीडिंग और एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग। ये एक बहुत क्रूशियल तरीका है, बाय द वे इज फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चे को राइट टेम्परेचर पे मिलता है, इससे बच्चे का इम्यूनिटी बढ़ता है, माँ का वेट लॉस होने में मदद करता है, माँ कहीं पर भी ब्रेस्ट फीड करा सकती है। और ब्रेस्ट फीडिंग एक ऐसा टूल है जिसके लिए आपका बॉडी प्रेगनेंसी के 4th महीने से तैयारी करता है, और जब तक आप लोग डिलीवर करते हो और जैसे ही प्लेसेंटा सेपरेशन होता है, वैसे आपके बॉडी के हॉर्मोन्स मिल्क का रिलीज चालू कर देते हैं। शायद नॉर्मल है क्या? यस, यूजुअली नॉर्मल है, और बट कॉमनली सबको आता नहीं है, बिकॉज इट्स नेचुरल, बट ये सबको उतना नेचुरली जमता नहीं है। सो अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराने की इच्छा है, आप उसको में कोई भी इशू फेस कर रहे हो, तो आप लोग अगर मेरा हेल्प चाहिए तो वी हैव अ कोर्स ऑन लर्न कम्प्लीट ब्रेस्ट फीडिंग, जो आपको madhuja.com पे मिल जाएगा, वो ले सकते हो। या अगर आप कोई इशू फेस कर रहे हो तो आप www.madhuja.com से श्रेया के साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। सो आई वुड लव टू हेल्प यू आपका वो जर्नी सेट करने के लिए। बट याद रखो ऑल ऑफ यू, कई बार डिलेड ऑनसेट हो सकता है, मतलब किसी को ब्रेस्ट फीडिंग आया ही नहीं, किसी को ब्रेस्ट फीडिंग बहुत कम क्वांटिटी में आया, किसी के मालिश वाली भैया घर वालों ने बोला कि तेरा बच्चा रो रहा है, मतलब तुझे ब्रेस्ट फीडिंग कम है। तो कई बार पेरेंट्स सेकेंड टाइप ऑफ फीडिंग मेथड को चूज़ करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ फीडिंग मेथड इज फॉर्मूला मिल्क। याद रखो ऑल ऑफ यू, माँ का दूध छोड़ के बच्चे को और कोई भी दूध नहीं देना है, स्पेशली एनिमल मिल्क इज़ नॉट अलाउड। सो अगर माँ का दूध नहीं है तो जो सेकेंड बेस्ट ऑप्शन जिसके लिए आप बच्चे को फीड करा सकते हो, इट्स 100% फार्मूला फीडिंग। फार्मूला फीड यूजुअली फोर्टिफाइड होता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ, जो माँ के दूध का सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन है। यस, एंटीबॉडीज आर नॉट देयर, फाइटिंग मैकेनिज्म इम्प्रूव नहीं होता, एंड एट द सेम टाइम वो कस्टमाइज नहीं होता। लाइक फार्मूला मिल्क और माँ के दूध में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है, माँ का दूध उम्र के साथ बच्चे के रिक्वायरमेंट के साथ ऑटो चेंज होते जाता है, बिकॉज इट्स अलाइव मिल्क, जो फार्मूला मिल्क के साथ ट्रुथ नहीं है। बट एनिमल मिल्क दे के बच्चे का बॉडी हार्म करने से बेटर है, जो सबसे बेस्ट और क्लोजेस्ट ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है इस फार्मूला मिल्क। फार्मूला मिल्क आप कौन से वे में बच्चे को दे सकते हो? आप आपके बच्चे को फार्मूला मिल्क पलाडई से दे सकते हो, जो स्टील का एक छोटा सा बर्तन होता है। आप ओपन कप या निफ्टी कप से बच्चे को दे सकते हो, आप कटोरी चम्मच से बच्चे को दे सकते हो। आइडियली हम लोग बोलते हैं फर्स्ट 40 डेज नो बॉटल फीडिंग, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहते हो तो, बिकॉज अगर आपने बॉटल फीडिंग चालू कर दिया तो निप्पल कन्फ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी होती है, डिपेंडिंग ऑन कितनी बार आप बॉटल फीडिंग दे रहे हो। तो आप लोगों को याद रखना, अगर आप 40 दिन के अंदर हो और ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पा रहे हो, यू शुड गो फॉर फार्मूला मिल्क एंड विदाउट बॉटल। किन किन बच्चों को फार्मूला मिल्क से भी एलर्जी होता है, तो अगर आपको सीवियर लूज मोशन या सीवियर कॉन्स्टिपेशन या सीवियर वॉमिटिंग या सीवियर स्टमक पेन, अगर ऐसा कुछ भी दिखता है, तो आपको प्रिफरेबली फार्मूला मिल्क का ब्रांड चेंज करना है। और अगर सीवियर लूज मोशंस हो तो आपको डॉक्टर से बात करके प्लांट बेस्ड फार्मूला मिल्क जो होता है उसके ऊपर शिफ्ट होना पड़ेगा। तरीका नंबर 3 इज़ बॉटल फीडिंग। कई बार पेरेंट्स को राइट गाइडेंस नहीं होता, हॉस्पिटल में ही बॉटल्स इंट्रोड्यूस हो जाती है, बच्चा लैच नहीं कर पाता, या माँ के पास निप्पल नहीं होते, या सेपरेशन है, या कोई मेडिकल इमरजेंसी है जिसकी वजह से आपको बॉटल फीडिंग इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अगर आप बच्चे को बॉटल फीडिंग दे रहे हो तो शायद मेरे बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है, गैसेस होता है, उसका गिल्ट कैरी मत करना, इट्स नॉर्मल। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों को भी होता है, कटोरी चम्मच से पीते हैं उनको भी होता है, बिकॉज बच्चे का स्मॉल इंटेस्टाइन अब तक डेवलप नहीं हुआ है। बट दिस इज़ अ वेरी कॉमन मेथड जिससे आप बच्चे को फीड करा सकते हो। बट याद रखो ऑल ऑफ यू, बॉटल फीडिंग करने वाला बच्चा यूजुअली ज़रूरत से ज़्यादा दूध लेगा, ज़्यादा सोएगा, थोड़ा सा कॉन्स्टिपेटेड होने की पॉसिबिलिटी है। आपको बॉटल का क्लीनिंग, स्टरिलाइजेशन, इन सभी चीज़ों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, तभी वो आपको हेल्प करेगा, ये चीज़ मत भूलना।
ठीक है। बॉटल फीडिंग अगर आप लोग कर रहे हो तो हम लोग ना मायदुजा यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो कर चुके हैं हाउ टू बॉटल फीड बेबी। इट्स बेसिकली पेस्ट बॉटल फीडिंग। आपको प्रिफरेबली बच्चे को उस तरीके से बॉटल फीडिंग करवाना है ताकि बच्चे का ओवर कंजम्पशन जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। सो यू शुड थिंक अबाउट इट। तरीका नंबर 4 इज एक्सप्रेस्ड मिल्क फीडिंग। अगर किसी वजह से माँ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना चाहती या निपल फॉर्मेशन नहीं है या माँ कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है, लैच सेट नहीं हो पा रहा है, बच्चा बाइट कर रहा है, निपल पे पेन है, निपल पे क्रैक्स है, और अगर मदर डिसाइड करती है कि मुझे एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क बच्चे को देना है, आप ये 100% बच्चे को फीड कराने के लिए यूज़ कर सकते हो। पंप को यूज़ करो, बेसिक कॉमन सेंस है। बच्चा अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो कितने कितने टाइम के बाद ब्रेस्ट फीड करेगा, आपको एग्जैक्टली उतने टाइम के बाद ब्रेस्ट पे ला के पंपिंग सेशंस करना है। समझ लो हर 1.5 से 2 घंटे बाद पंपिंग सेशन करो, और जो भी एक्सप्रेस्ड मिल्क निकलता है वो प्रिफरेबली कटोरी चम्मच से दो, अगर नहीं जमता है तो बॉटल से दे सकते हो। बट आपका बच्चा एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट मिल्क टेकर हो सकता है, वेयर एज माइट बी ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट येट सेटल, बट दैट्स ऑल्सो वेरी गुड वे ऑफ सेटलिंग ब्रेस्ट फीडिंग। इस पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाता है कि हाउ डू आई स्टोर ब्रेस्ट मिल्क, तो आप यूट्यूब पे डाल सकते हो हाउ टू स्टोर ब्रेस्ट मिल्क मायदुजा, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा जो बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेगा कि एग्जैक्टली इस दूध को कैसे स्टोर करना है, कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना है, आपको बच्चे को वो दूध कैसे ऑफर करना है एंड एवरीथिंग अराउंड इट। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि निफ्टी कप। निफ्टी कप अगर आप लोग अमेजोन पे देखोगे या फ्लिपकार्ट पे देखोगे या अगर आप आपके डॉक्टर से बात करोगे, दे विल टू सजेस्ट यू, ये तो छोटू सा कप होता है जैसे दवाई देने का जो कप होता है मेजरिंग कप, कुछ वैसा दिखने वाला कप होता है जिसको बोलते हैं निफ्टी कप। आप लोग 100% निफ्टी कप से बच्चे को दूध दे सकते हो, टेंशन मत लेना, बच्चे ले लेते हैं। मेरा बच्चा फजी हो जाता है, थोड़ा सा दूध स्पिल हो जाता है, फिर वो आसान नहीं होता, बहुत टाइम लग जाता है। सी अगर आप आसान तरीका ढूंढोगे तो बच्चा भी तो आसान तरीका ढूंढेगा। सो कटोरी चम्मच और निफ्टी कप, ये दो बहुत अच्छे तरीके हैं जिससे आप बच्चे को फीड करा सकते हो। जहाँ पे निपल कन्फ्यूजन्स कम होता है, बच्चा बॉटल को एडिक्टेड नहीं होता है, थिंग्स कैन बिकम रियली वेरी इजी फॉर यू। सो निफ्टी कप या ओपन कप आप लोग 100% बच्चों को फीड कराने के लिए यूज़ कर सकते हो। एक लास्ट तरीका है जो एशियन कंट्रीज़ में इतना कॉमनली नहीं देखा गया है, बट दैट्स अ कॉमन मेथड, इट्स अ ट्यूब फीडिंग। ट्यूब फीडिंग के सेट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आपके डॉक्टर से आप बात कर सकते हो, लैक्टेशन कंसल्टेंट आपको सजेस्ट कर सकते हैं। ट्यूब फीडिंग में बेसिकली एक्सप्रेस्ड मिल्क या फॉर्मूला मिल्क फीड किया जाता है जहाँ पे ट्यूब लैंड होती है आपके निपल के आसपास, और बच्चा जब भी फीड करता है एक्चुअली ट्यूब में से दूध निकल रहा है बट बच्चा ब्रेस्ट पे सक करते करते फीड ले रहा है। इट्स अ गुड मेथड। बेसिकली बच्चे को पैसिफिकेशन के फ़ायदे मिल जाते हैं, निपल को लैच करने के फ़ायदे मिल जाते हैं, माँ के हॉर्मोन्स कंट्रोल में आने के लिए हेल्प हो जाता है। सो टारगेट ये नहीं है कि बच्चा क्या ले रहा है, कैसे ले रहा है, टारगेट ये है कि बच्चे को हम लोग डिहाइड्रेट रख के कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। सो बच्चे को फीड तो कराना है, तो आपको आपके लिए जो सूटेबल बेस्ट मेथड है आपको वो मेथड सिलेक्ट करना है, उससे बच्चे को फीड कराना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निपल शील्ड। अगर किसी वजह से निपल फॉर्म नहीं है और आप बच्चे को फीड नहीं करा पा रहे हो या वुंड है, क्रैक्स है, तो आप लोग निपल शील्ड से भी बच्चे को फीड करा सकते हो। निपल शील्ड इज़ अ टूल विच इज़ अवेलेबल, लॉन्ग निपल शील्ड, स्मॉल निपल शील्ड, और अगर बच्चा लैच नहीं करता है तो निपल शील्ड आपके लिए एक बहुत कमाल का वे है जिससे आप लोग बच्चे को फीड करा सकते हो। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था कि हम लोग एग्जैक्टली बच्चे को कैसे फीड कराएं और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है बच्चे को फीड कराने के लिए। प्लीज़ ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। अगर आपको इन सारे जर्नी में मेरा हेल्प चाहिए तो डू गेट इन टच विद अस ऑन www.mayadhuja.com। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर मैं आपको हेल्प कर सकूँ तो। अगर आप में से कोई भी प्रेग्नेंट है और ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग को अगर आप लोग थर्ड ट्राइमेस्टर या प्रेगनेंसी में सीख लोगे तो वो आपका ब्रेस्ट फीडिंग का जर्नी बहुत हद तक स्मूथ कर लेता है। हम लोग प्रेगनेंसी को एक बहुत अलग तरीके से देखते हैं, और अगर आपको प्रेगनेंसी में हमसे ट्रेन होना है तो डू गेट इन टच विद अस ऑन www.mayadhuja.com। हैव अ ग्रेट एंड बाय।